नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को बताने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से देश भर में कई कार्यक्रम किए गए। कहीं पर चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई गई तो कहीं गीत संगीत के माध्यम से देवीय गुणों से श्रद्धालुओं को परिचित कराया गया। इतना ही नहीं, लोगों को अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देवीय गुणों को जागृत करने का संदेश भी इन कार्यक्रमों के जरिए किया गया। वहीं कुछ जगहों पर पूजा आरती कर लोगों को राजयोग चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से परमात्मा का सत्य परिचय भी दिया गया। इसी तरह रामनवमी पर भी संस्था की ओर से अलग अलग कार्यक्रम किए गए और राम के आदर्श व्यक्तित्व को विभिन्न नृत्य नाटिका के माध्यम से आमजनों के समक्ष पेश किया गया। हे माँ, इस बुराई रूपी राक्षस को, इस दानव का नाश करो। हे माँ शिव शक्ति, आप इन मनुष्य आत्माओं का कल्याण करो। आप सभी ने देखा कैसे शिव की शक्तियों ने आसुरी शक्तियों अर्थात बुराइयों का वध किया। वास्तव में हमारे अंदर ही दिव्य गुण एवं शक्तियाँ विद्यमान है। शिव शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब हारे। सात्विक मन के, सात्विक धन के संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ, परम योगी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, जगदम्बे। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवंगी महिमानु। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवंगी महिमानु। जगमग करती ज्योत सरी की आभमयी माँ जगदम्बे, प्रभामयी माँ जगदम्बे, विभामयी माँ जगदम्बे। दुर्गुण नाश करे, सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरते संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे। जगदम्बे भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, जगदम्बे धरती पे शिव।